खबरिया से इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपा मुखिया। देवरिया में तेज हुई सियासी हलचल। देवरिया कांड पर यूपी सरकार को अखिलेश यादव ने बताया फेल। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया के फतेहपुर गांव पहुंचकर सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे, जहां पर परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं हुई। सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिजनों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अखिलेश यादव प्रेमचंद यादव के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेमचंद यादव की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं दिखाई दे रही है, भाजपा देश को बर्बाद करना चाहती है, ये हाल रहा तो लोग अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं और ऐसी घटना नहीं देखने को मिली। इस घटना से आम जनमानस में आक्रोश है। योगी बाबा के गृह जनपद के बगल में ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये साफ पता चलता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।